ट्रंप करना चाहते हैं कमला हैरिस के साथ बहस। अगले महीने 3 टीवी डिबेट का रखा प्रस्ताव। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले चुनावों को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कमला हैरिस के खिलाफ 3 सितंबर को एक टीवी बहस का प्रस्ताव रखा है। मिली जानकारी के अनुसार कमला हैरिस भी इस टीवी डिबेट के लिए तैयार हो गई हैं। हालांकि उनकी तरफ से तारीखों को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। मौजूद राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद अब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल हुई कमला हैरिस को लोगों से बड़े स्तर पर काफी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कमला हैरिस के खिलाफ 3 सितंबर को एक बहस का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि हैरिस ने पिछले 18 दिनों में डेमोक्रेटिक टिकट को प्रज्वलित किया है, रिकॉर्ड धन जुटाया है और रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति की मतदान बढ़त को खत्म कर दिया है, जिससे जीत के लिए एक व्यापक रास्ता खुल गया है, जिसकी उम्मीद उनकी पार्टी ने एक महीने पहले तक नहीं की थी। इस बीच ट्रंप, जिन्होंने फ्लोरिडा में समुद्र के किनारे स्थित अपने घर पर पत्रकारों को संबोधित किया, ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मुझे उम्मीद है कि वो सहमत होंगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने 4, 10 और 25 सितंबर को टेलीविजन नेटवर्कों के साथ डिबेट करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी पर फिर से हमला किया और बार बार पूर्व राज्य अटॉर्नी जनरल और अमेरिकी सीनेटर की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए। ट्रंप ने चुनाव और कार्यालय में अपने रिकॉर्ड से जुड़े सभी तरह के विषयों पर झूठे दावे किए, जिसमें गैलोसीन की कीमत से लेकर उनकी भीड़ का आकार, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौतें और उनके समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल में 2021 में किया गया विद्रोह शामिल है। उन्होंने संवाददाताओं को आश्वासन दिया कि 5 नवंबर के मतदान के बाद सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रपति पद के चुनाव ईमानदारी से होंगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कैपिटल में हुए घातक दंगे के बावजूद पिछला हस्तांतरण शांतिपूर्ण रहा था। ट्रंप ने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया कि 21 जुलाई को हैरिस के राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह लेने के बाद उन्हें अपने नए प्रतिद्वंदी को ध्यान में रखते हुए अपने अभियान को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि ये वही नीतियाँ हैं, खुली सीमाएं, जो अपराध के मामले में कमजोर हैं। मुझे लगता है कि वो बाइडेन से भी बदतर हैं। प्रतिद्वंदी अभियान ट्रंप द्वारा 10 सितंबर को पूर्व निर्धारित एबीसी राष्ट्रपति पद की बहस से पीछे हटने पर भिड़ गए थे। नेटवर्क ने गुरुवार को कहा कि दोनों उम्मीदवार अब आमने सामने होने के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप के अनुकूल फॉक्स न्यूज 3 बहसों में से पहली की मेजबानी करेगा, जबकि एनबीसी अंतिम स्लॉट लेगा। कमला हैरिस की ओर से उन तारीखों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई है।